महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राजा मल का घाट के पास स्थित प्रयागेश्वर महादेव 84 महादेवों में 58वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयंभू इंद्र के पुत्र प्रियव्रत जब अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर बद्रिका आश्रम में तपस्या रत थे, तब नारद जी को वहां आता देख प्रियव्रत ने उन्हें प्रेरक प्रसंग सुनाने को कहा। तब देव ऋषि ने कहा कि एक बार श्वेत दीप सरोवर में एक कन्या को देखने और उससे उसका परिचय पूछने पर जब उसने आंखें बंद कर ली, तभी से मेरा समस्त ज्ञान नष्ट हो गया। तब मैंने उस कन्या स्वरूप देवी को प्रणाम कर क्षमा प्रार्थना की तो मुझे उसके शरीर में 3 पुरुष आकृतियां दिखाई देने लगी। मेरे संदेहों का निराकरण करते हुए उस कन्या ने कहा कि मैं सावित्री हूँ तथा ये तीनों ऋग, यजु और साम नामक 3 वेद हैं। मैंने उन्हें प्रणाम कर अंततः प्रयाग तीर्थ में जाकर तपस्या शुरू कर दी, किंतु जब प्रयाग जैसा पुण्यप्रद तीर्थ भी भयभीत दिखाई दिया तो स्वयं भगवान विष्णु ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, नारद, प्रयाग को साथ में लेकर महाकाल वन चलो। यहां हमें इस दिव्य लिंग के दर्शन हुए जिसमें ब्रह्मा जी और सभी वेद सहित देवी सावित्री भी दिखाई दी, जिनके दर्शनों से मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान पुनः स्मरण हो गया। प्रयाग तीर्थ तथा देव ऋषि नारद द्वारा आराधित यह शिवलिंग तभी से प्रयागेश्वर के रूप में विख्यात हुआ। इनके दर्शन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।